जयपुर पुलिस की एटीएस में बतौर एएसपी तैनात एक अधिकारी ने अपनी एक महिला मित्र को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को दोनों के शव अधिकारी की सरकारी गाड़ी से मिले हैं। एसपी की पहचान आशीष प्रभाकर के रूप में हुई है। घटना जयपुर के जगतपुरा इलाके की है। बताया जा रहा है कि एएसपी आशीष प्रभाकर ने खुद कॉल करके तुरंत पीसीआर को शिवदासपुरा के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भेजने को कहा, लेकिन जब वहां पुलिस पहुंची तो एक कार में दो शव मिले। कार में सर्विस रिवॉल्वर भी मिला है। शक जताया जा रहा है कि उसी से दोनों को गोली लगी है। साथ ही गाड़ी से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें प्रभाकर ने लिखा है कि यह महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। बताया जा रहा है कि एएसपी कुछ दिनों से परिवार से अलग रह रहे थे। लेटर में अधिकारी ने अपनी पत्नी से माफी भी मांगी है। आपको बता दें कि आशीष प्रभाकर ने ही जयपुर के आईएसआईएस के नेटवर्क को तोड़ा था। इंडियन ऑयल के अफसर सिराजुद्दीन के नेटवर्क की जांच भी यही कर रहे थे। उन्होंने इसके अलावा सीकर और कर्नाटक के गुलबर्गा में भी आईएसआईएस के नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। तो जयपुर में एटीएस एसपी की मौत की गुत्थी को सुलझा माना जा रहा है, और अब तक जो बात सामने आ रही है उसमें निजी कारणों से आशीष प्रभाकर ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। देखते रहिए डीबी लाइव।